आगे जो कह रहे थे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जॉइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड एग्जाम्स और तालीम से मुताल्लिक तमाम अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस। जैसे कि ईटा की तरफ से केपी के स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट की रोल मैसेज जारी कर दी गई, गवर्नमेंट की तरफ से नॉन मेंबर की छुट्टी की बहाली, दसवीं क्लास की तालिबा की आजादी तौर पर बतौर डिप्टी कमिश्नर एक दिन के लिए तैनाती, पंजाब हायर एजुकेशन कमिशन की तरफ से यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो, एससी कॉलेज लाहौर की तरफ से स्प्रिंग 2023 एडमिशन, यूएसएस लाहौर की तरफ से एमडी कैट की रोल मैसेज का इजरा और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट जॉइनिंग प्रोग्राम्स की एडमिशन, कौन सा यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस की स्प्रिंग एडमिशन 2023 और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल, इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की एडमिशन और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से प्राइवेट एडीपी के दाखिलों का शेड्यूल, एचईसी की तरफ से चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 और सुपीरियर यूनिवर्सिटी का फैसलाबाद में नया कैंपस, एमडी कैट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स और शायद इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा की तरफ से फॉर्म के दाखिले, क्रेन कॉलेज फॉर विमेन लाहौर के स्प्रिंग एडमिशन और बीएनसी भुट्टो शेख यूनिवर्सिटी जारी कराची के 2023 के दाखिले, सीएसएस क्रेडिट एग्जामिनेशन 2023 एडमिशन, डाटा फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम और डायरेक्टरेट जनरल साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से केपी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, बोर्ड की तरफ से रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट गजट्स और यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस होने वाली मेरिट लिस्ट, वैसे तालीम के शोबे से रिलेटेड तमाम न्यूज़ अपडेट्स हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं, जिसे ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए हैं, ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। एमडी कैट का टेस्ट जब से कंडक्ट हुआ है, स्टूडेंट्स की तरफ से गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि एमडी कैट के क्वेश्चन पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज डाले गए थे, इसके अलावा आंसर कीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, और स्टूडेंट्स अब अपने तौर पर जो मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे राबता कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे, आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ का आगे से जो रवैया है वो बड़ा हैरानकुन है कि बिल्कुल भी वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और सारा मलबा स्टूडेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं, बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के या प्रॉपर मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के, वो बस आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं कि जिसे जैसे भी करके ये टाइम निकाला जाए और जैसे ही फिर ये कि एमडी कैट का रिजल्ट आता है तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बरी जिम्मा हो जाएंगी। इस सिलसिले में अभी तक सिर्फ केपीके में ही ये खबर सामने आई थी कि पिशावर हाई कोर्ट में बाकायदा केस किया गया है और एमडी कैट का रिजल्ट रुकवा दिया गया है केपीके में। बाकी इसमें कल ये खबर आई थी कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि स्टूडेंट्स की तरफ से जितनी भी क्वेरीज आई थी एमडी कैट के रिजल्ट के हवाले से कि आंसर कीज में मिस्टेक्स हैं या जो भी मामला थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने सारा मैटर इन्वेस्टिगेट किया है और अब जो रिवाइज्ड आंसर की है वो शेयर कर दी गई है। अब इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जो रेक्टिफाइड आंसर की है कि जिसमें अब वो सारी उन्होंने मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट कर दी हैं, तो वो पीएमसी को फॉरवर्ड कर दी गई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पीएमसी की वेबसाइट पर जो आंसर की है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमडी कैट की, तो वो वही वाली है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बहरहाल तवक्को कर सकते हैं कि अगर तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आंसर की को रेक्टिफाई किया गया है, उसमें नेसेसरी करेक्शन कर दी गई है और जैसा कि उनका कहना था कि जो रिजल्ट है वो नई आंसर की के मुताबिक ही अपलोड किया जाएगा, तो इंशाल्लाह जब एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट आता है पीएमसी की तरफ से तो वो अच्छा रिजल्ट होगा, स्टूडेंट्स की जो आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं वो इंशाल्लाह कवर कर दी जाएंगी और एक बेहतर रिजल्ट ही आएगा। और एमडी कैट के रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 21 या 22 नवंबर को पीएमसी की तरफ से एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको बताएं कि ट्यूजडे को जो पीएमसी की तरफ से एक एमडी कैट पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस मीटिंग कंडक्ट की गई थी और मीटिंग खत्म होने के बाद फिर पहले एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे अगर किसी भी एमडी कैट में किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी पाई गई। बाद में उन्होंने वो नोटिफिकेशन रिमूव किया और नया एक नोटिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप अपनी मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी से राबता करें और उन्हें अपने कंसर्न्स बताएं तो वो ही इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद फिर हुआ ये कि स्टूडेंट्स की तरफ से अपनी अपनी मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जैसे कि पंजाब में यूएचएस है, इसी तरीके से केपीके में ईटा वगैरह के साथ फिर राबता किया गया और इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जैसे मैंने बताया कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने कहा कि जी हमने तमाम स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को देखा है और उसके ऊपर बाकायदा हमने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और एक नई आंसर की हमने शेयर कर दी है। लेकिन यूएचएस की तरफ से किसी किस्म का कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया गया, हालांकि यूएचएस एक बड़ी जिम्मेदार और एक एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी है एमडी कैट के कंडक्शन के हवाले से, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स की तमाम क्वेरीज को तमाम कंप्लेंट्स को टोटली रद्द कर दिया है और बिल्कुल भी इसके ऊपर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और ना ही किसी किस्म का एक्शन लिया जा रहा है। अब इस सिलसिले में आज एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है एक स्टूडेंट का जो आज यूएचएस गई हैं, उनका कहना था कि यूएचएस बिल्कुल भी स्टूडेंट्स की बात को नहीं सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी अभी तक हमारे पास कोई 10-15 स्टूडेंट्स ही कंप्लेंट लेकर आए हैं और एमडी कैट के अंदर किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी, हमने बिल्कुल ठीक टेस्ट बनाया है, कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज नहीं है, आंसर कीज भी बिल्कुल ठीक है। तो उन स्टूडेंट का ये कहना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ये कंप्लेन करें और यूएचएस तक अपना पैगाम पहुंचाएं और उन्हें फोर्स करें कि भैया आप इसको इस मैटर को लाजमी तौर पर देखें और आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे तमाम एमसीक्यू जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे तो उनके अगेंस्ट ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए।
बहरहाल सारी सूरत हाल के बाद अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दिया है। तो यूएचएस की तरफ से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जी एमडी कैट 2022 का जो इम्तिहान कंडक्ट हुआ है 13 नवंबर 2022 को, तो इसमें यूएचएस की तरफ से जारी होने वाले एमडी कैट 2022 इन्फॉर्मेशन बुकलेट में ये बताया गया था कि तमाम स्टूडेंट्स एमडी कैट वाले दिन शाम 6 बजे से पहले पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन नजर आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो इसे चैलेंज कर सकते थे। और यूनिवर्सिटी को एमडी कैट के हवाले से जो कंप्लेंट्स मौसूल हुई, तो उस सिलसिले में उन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की खिदमात ली और उन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से क्वेश्चन पेपर को वैलिडेट किया गया है, यानी कि तमाम के तमाम सवाल बिल्कुल ठीक हैं और उन एक्सपर्ट्स ने हर सवाल को डिटेल में रिव्यू किया है, जिसके बाद ही यूएचएस की तरफ से आंसर की अपलोड की गई है। यानी यूएचएस का यह कहना है कि कंप्लेंट का आपके पास जो टाइम अवेलेबल था तो वो गुजर चुका, और वो था कि जी जिस दिन आपने टेस्ट दिया एमडी कैट का 13 नवंबर को, तो उस दिन शाम 6 बजे तक आप ईमेल कर सकते थे, और जिन स्टूडेंट्स ने ईमेल्स की हैं तो उस सिलसिले में जी हमने एक एक्सपर्ट की टीम के थ्रू तमाम के तमाम क्वेश्चंस को रिव्यू करवाया है और जितने भी स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट्स की थी तो उनका हमने सोल्यूशन निकाल दिया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी अब टाइम नहीं है आपके पास के आप जो है वो एमडी कैट के हवाले से कोई फर्दर कंप्लेंट्स वगैरह करें। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एमडी कैट 2022 का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस होगी कि वो अपनी ओएमआर ग्रेडिंग यानी बबल शीट और आंसर की को दोबारा से रीचेकिंग के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवा सकते हैं। और पीएमसी की तरफ से एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट्स एक हफ्ते के अंदर अंदर एमडी कैट 2022@uhs.edu.pk पर ईमेल कर सकते हैं और पेपर को रीचेक करवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, जबकि उससे पहले या उसके बाद किसी किस्म की कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी यूएचएस ने अपनी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से किसी किस्म की कंप्लेंट्स को ना तो एंटरटेन किया जाएगा और ना ही आपकी किसी भी क्यूरी को, किसी भी शिकायत को सुना जाएगा। इसका टाइम था जी आप एमडी कैट वाले दिन शाम 6 बजे तक ईमेल करते और उसके बाद कहते जी हमने जरूरी कार्रवाई कर ली हुई है। अब उन्होंने अगला सोल्यूशन ये दिया है कि जी पीएमसी का रिजल्ट का आप इंतजार करें, जब रिजल्ट आएगा तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे और जाहिर है उसकी फीस होगी, और रीचेकिंग करते हुए फिर ये होगा कि आपकी जो ओएमआर ग्रेडिंग शीट यानी बबल शीट होगी और आपका जो आंसर की वगैरह है तो ये फिर मैच की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या आपके मार्क्स ठीक लगे हैं या नहीं, और अगर आपके मार्क्स कम या ज़्यादा होते हुए तो ऐसे केस में आपका जो रिजल्ट है वो पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। और ये वही काम है जो पिछले साल भी पीएमसी की तरफ से किया गया था कि रिजल्ट जारी कर दिया गया, हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो रो रहे थे कि जी हमारा रिजल्ट ठीक नहीं तैयार किया गया, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप फीस जमा करवाएं, और फीस जमा करवाने में भी डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज रखी हुई थी, एक कम फीस वाला था, एक ज़्यादा फीस वाला था। और कम फीस में ये होता था कि पीएमसी अपने तौर पर वो आपका पेपर देखते थे और आपको नहीं दिखाते थे, खुद ही वो रीचेकिंग करने के बाद आपको एक ईमेल कर देते थे, बता देते थे कि जी हमने आपका पेपर दोबारा चेक कर लिया है तो आपके मार्क्स बिल्कुल ठीक हैं और लिहाजा आपका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। और जो ज़्यादा फीस वाली ऑप्शन थी उसमें ये होता था कि आपको पीएमसी के ऑफिस से इस्लामाबाद जाना होता था और वहाँ वो आपको बिठाकर आपका पेपर दिखाते थे और उसकी रीचेकिंग होती थी, लेकिन उसके ज़्यादा डबल फीस होती थी। लेकिन अभी भी यहाँ पर यही मामला होगा कि यूएचएस ये कह रही है कि आप रिजल्ट का इंतजार करें और उसके बाद फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा, हमें मजीद पैसे दीजिएगा और फिर उसके बाद आपका पेपर जो है वो आपको दिखाया जाएगा। और ये बिल्कुल वही बात हुई है जब ट्यूसडे वाले दिन पीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि जी आप अपनी मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के साथ राबता करें, जिस यूनिवर्सिटी का आपने टेस्ट दिया है तो आप उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। तो तब मैंने वीडियो में ये बात कही थी कि पीएमसी ने ये काम ठीक नहीं किया है, पीएमसी को चाहिए था कि ये मामला अपने हाथ में रखते हैं और जिस जिस भी यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते, देखते कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती, पता चलता कि किस एमडी कैट के अंदर कितने एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस हैं, आंसर कीज के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम है नहीं, एक दो दिनों में आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका पूरा एवेल्यूशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और फाइंडिंग दे सकते हैं कि भाई इतने सवाल आउट ऑफ सिलेबस हैं, आंसर कीज के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं। लेकिन इन्होंने मामला हैंड ओवर कर दिया एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को, जिन्होंने खुद टेस्ट तैयार किया, खुद टेस्ट कंडक्ट करवाया, खुद उन्होंने रिजल्ट तैयार किया, तो वो कैसे अपनी गलती तस्लीम करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। पीएमसी को चाहिए था कि ये मामला अपने पास ही रखते बजाय यूनिवर्सिटीज को हैंडओवर करने के। अब यूनिवर्सिटीज कभी भी अपनी बदनामी का बायस नहीं बनवाएंगी और ना ही कभी वो अपनी गलती तस्लीम करेंगे और उन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ लिप सर्विस देनी है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब इसका सोल्यूशन यह है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स करें यूएचएस को और हो सके तो यूएचएस का जो कैंपस है वो विजिट करें और मुतल्लिका हुकाम से आप मिलें और उन्हें अपने कंसर्न्स बताएं। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हवाई बातें नहीं आपने करनी कि जैसे अक्सर ऐसे स्टूडेंट जिनको जो एमसीक्यू ना आता उन्हें लगता है कि जी आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे नहीं करना कि जी सर 30 सवाल आते आउट ऑफ सिलेबस थे, 40 सवाल आते। आप बाकायदा प्रूफ के साथ पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जो 200 एमसीक्यूज़ का एक क्वेश्चन पेपर है आपके पास अवेलेबल है, उन तमाम के तमाम 200 एमसीक्यूज़ का पूरा आप एनालिसिस करें सिलेबस के साथ, उसको मैच करें और देखें और साबित करें कि जी ये सवाल जो हैं ये आउट ऑफ सिलेबस थे, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो एमसीक्यू है अगर वो टॉपिक पीएमसी के सिलेबस में अवेलेबल नहीं है तो आप ये चीज़ साबित करें
कि भाई ये फलां फलां क्वेश्चन नंबर हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस हैं, और ये चीज़ आप यूएचएस को बताएं, पीएमसी को फॉरवर्ड करें, और अगर ये आपकी बात नहीं सुनते तो फिर आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा इनके अगेंस्ट। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर इसके ऊपर वर्किंग करनी होगी। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर वर्किंग की हुई है, वेल एंड गुड है, आप उस वर्किंग को लाजमी तौर पर फॉरवर्ड करें और बताएं कि भाई ये सवाल आते हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और फिर यूएचएस या पीएमसी ये फिर आगे से साबित करें कि नहीं भी ये जो आपने सवाल जो क्लेम कर रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये पीएमसी के सिलेबस के फलां टॉपिक में फलां बुक में से दिया गया है। अगर तो वो चीज़ ये साबित कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर उन्हें आपकी बात तस्लीम करनी पड़ेगी और फिर उन्हें आउट ऑफ सिलेबस जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनके अगेंस्ट लाजमी तौर पर ग्रेस मार्क्स देने होंगे। और ये मामला जितना लटकता जाएगा उतना ही फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि पीएमसी ने अपने टाइम पर जो है वो रिजल्ट जारी कर देना है। मीनवाइल चलें केपीके का, तो जब तक वो पिशावर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आता तो ईटा की तरफ से ऑफिशियल एमडी कैट का रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है कि बाकी सूबों का एमडी कैट का रिजल्ट जारी हो जाए, इसलिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको बताएं कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहा है जिसमें केपीके का जो ईटा का एमडी कैट है उसके रिजल्ट की समरी और स्टेटिस्टिक्स वगैरह शेयर किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि केपीके का जो एमडी कैट है जो कि ईटा की तरफ से कंडक्ट करवाया गया, तो इसमें 90% या से ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 177 है, 80% से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स की तादाद 3720 है, और केपीके के एमडी कैट में 45% से कम मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 13740 है, यानी 13740 स्टूडेंट्स एमडी कैट में टोटली फेल हुए हैं। इसके अलावा पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि उम्मे हबीबा हैं जिनका ओवरऑल एमडी कैट में टॉप हुआ है केपीके में, और इनके 192 नंबर है। लेकिन यहां मैं ये चीज क्लियर करता चलूं कि ये हरगिज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट तो जरूर कर रहा है और बड़े रिफाइंड फॉर्म में सारे स्टेटिस्टिक्स शेयर किए गए हैं, लेकिन ना तो ये पीएमसी की तरफ से ऑफिशियली शेयर किया गया है, ना ही ईटा की वेबसाइट या उसके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर है, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ हुआ है, अदरवाइज ये इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। मुमकिन है कि ये स्टैटिस्टिक्स ठीक भी हों, उसकी वजह यह कि ईटा की तरफ से रिजल्ट कंपाइल कर लिया गया है और फॉरवर्ड कर दिया गया हुआ है पीएमसी को, लेकिन इस बात के इम्कान कम ही हैं, और जब तक के एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट पीएमसी की तरफ से जारी नहीं हो जाता तब तक हतमी इसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वाकई में ये स्टैटिस्टिक्स दुरुस्त हैं या नहीं। तहम जैसे ही एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट पीएमसी की तरफ से आता है तो उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं 90% से ज्यादा वाले और टॉप पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं।